कोई करता था, और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा। और खास करके बीएसपी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, 18 साल से 2006 से लेके मैं बीएसपी में हूं, करीब 18 साल होने में राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और दूसरी हैसियत जो राजनीति में जरूरत पड़ती है, वो कवाल गांव मुजफ्फरनगर में जहां वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, वो मेरे क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा में आता है। राजनीति में जिन चीजों की हैसियत की जरूरत पड़ती है, वो सारी हैसियत के अगर मिलाए पूरे देश में, जिस दिन से बीएसपी बनी है आज तक, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि 18 साल कोई नहीं रहा। और हम तीनों लोग जो मेरे भाई कई बार विधायक रहे हैं, लखीराम नागर जी मेरी पत्नी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, 18 साल तक हम लगातार रहे, नहीं तो बीएसपी में एक डेढ़ योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में जब हम एमएलए नहीं लड़े, अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात, घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी, वही करता था। और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा, और खास करके बीएसपी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, 18 साल से 2006 से लेके मैं बीएसपी में हूं, करीब 18 साल होने में राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और दूसरी हैसियत जो राजनीति में जरूरत पड़ती है, वो कवाल गांव मुजफ्फरनगर में जहां वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, वो मेरे क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा में आता है। राजनीति में जिन चीजों की हैसियत की जरूरत पड़ती है, वो सारी हैसियत के अगर मिलाए पूरे देश में, जिस दिन से बीएसपी बनी है आज तक, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि 18 साल कोई नहीं रहा। और हम तीनों लोग जो मेरे भाई कई बार विधायक रहे हैं, लखीराम नागर जी मेरी पत्नी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, 18 साल तक हम लगातार रहे, नहीं तो बीएसपी में एक डेढ़ योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में जब हम एमएलए नहीं लड़े, अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात, घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी।